सवेरे खाली पेट ये पांच पत्ते इस तरह खा लो, तुहानू पूरी उम्र कोई बीमारी नहीं होगी। दिल का दौरा, कोलेस्ट्रोल, खून की कमी, डेंगू अते हर तरह का बुखार कदे नहीं होगा। इस तों इलावा जे तुहानू ब्लड प्रैशर की समस्या है, शुगर या फिर थायराइड की समस्या है, नसा विच दर्द हुंदा है, जोड़ा दर्द या फिर किसी भी तरह की वात की बीमारी है, तो ये सब समस्यावां इन्हां पत्तियां नाल बिल्कुल ठीक हो जाएगियां। सिर्फ ये पांच पत्ते खाने का सही तरीका जान लो। चलो हुण तुहानू दसदे हाँ कि केड़ी बीमारी विच केड़े पत्ते का सेवन करना चाहिदा है। इस तों पहला जे तुसी साडा फेसबुक अते यूट्यूब चैनल सेहत पंजाब हैल्थ सबसक्राइब नहीं किया तो कर लो। सब तो पहला तुहानू दसदे हाँ धनिए दे पत्ते। सुक्का धनिया अते धनिए दे पत्ते ये दोनों शरीर लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंदे हन। जे तुहानू खून की कमी है तो हरे धनिए की चटनी बना के जरूर खाओ। तुसी चाहो तो इसका जूस बना के भी पी सकते हो। धनिया थायराइड की बीमारी लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंदा है। इसके लिए इसका जूस बना के जरूर पियो। जे तुहाडे कोल हरा धनिया नहीं है तो तुसी धनिए दे बीज रात नूं पानी विच भिओ के रखो अते सवेरे इस पानी नूं छान के पी लो। तुहाडी थायराइड की समस्या कुछ ही दिनों विच ठीक हो जाएगी। हुण गल करदे हां बेल पत्तर दे पत्तियां बारे। ये पत्ते भी शरीर लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंदे हन। इस नाल बहुत सारियां बीमारियां ठीक होंदियां हन। जे तुहानू हाई ब्लड प्रैशर की समस्या है अते रोजाना गोली लैनी पैंदी है तो इस दे लई 5-6 बेल पत्तर दे पत्ते पीस के पेस्ट बना लो। फिर इस पेस्ट नू 1 गिलास पानी विच उबालो। जदों पानी अद्धा रह जावे तो इस नू पी लो। ये काढ़ा इन्ना ताकतवर है जे तुहानू 20 साल पुरानी ब्लड प्रैशर की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी। इस तों इलावा जे तुहानू शुगर की समस्या है, मोटापा वध गया है, कोलेस्ट्रोल वधदा है या फिर नसा विच ब्लॉकेज की समस्या है तो सवेरे खाली पेट 3-4 बेल पत्तर दे पत्ते चबा के खा लो अते उपर दी 1 गिलास पानी पियो तो तुहाडियां ये सब समस्यावां बिल्कुल ठीक हो जाएगियां। हुण गल करदे हां तुलसी दे पत्तियां बारे। तुलसी हर बीमारी ठीक करन दी ताकत रखती है। इस विच बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हुंदे हन। जे तुहानू बहुत ज़्यादा बुखार की समस्या रहिंदी है, वायरल बुखार है, चाहे तुहानू टाइफाइड का बुखार है या फिर सर्दी जुकाम करके बुखार हो गया है, इस दे लई तुलसी का काढ़ा बना के जरूर पियो। काढ़ा बनाउण लई 10-15 तुलसी के पत्तियां नू पानी विच उबाल लो। जदों पानी अद्धा रह जावे तां उसनू छान लो अते इस विच गुड़ अते शहद मिला के पियो। तुसी चाहो तो 1-1 चमच तुलसी के पत्तियां का रस सवेरे दोपहरे अते शाम नू भी लै सकते हो। तुहानू बुखार की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हुण गल करदे हां हार शिंगार दे पत्तियां बारे। इस नू परिजात दे पत्ते भी कहिंदे हन। जे तुहानू गुर्दे विच किसी भी तरह की समस्या है, कमर विच दर्द, गोड्यां दर्द जां फिर वात की किसी भी तरह की बीमारी है, ये पत्ते तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हन। इन्हां पत्तियां दा सेवन करन नाल पुरानी तो पुरानी अर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। उस दे लई हार शिंगार दे पत्तियां की पेस्ट बना लो। इस पेस्ट नू 1 गिलास पानी विच उबाल लो। जदों पानी अद्धा रह जावे तां इस नू छान लो अते थोड़ा जिहा गुनगुना होण ते सवेरे खाली पेट पी लो। सिर्फ 4-5 दिनां विच ही तुहानू फर्क नज़र आवेगा। जोड़ां दर्द, गोड्यां दर्द अते वात दी बीमारी घट हो जाएगी। हुण गल करदे हां गिलोह दे पत्तियां बारे। ये बुखार लई तां 1 अमृत समान हन। जे तुहानू बुखार उतर नहीं रहा तो इस दे लई गिलोह दे पत्ते पानी विच उबाल के काढ़ा बना के पी लो। बुखार तुरंत उतर जाएगा। जे तुहाडे खून विच बुखार दे करके प्लेटलेट्स घट गईयां हन तां ओह वी वध जाणगियां। दोस्तों ये सी ओह पंज पत्ते जो साडे शरीर की हर तरह की बीमारी नूं ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी तुहाडे लई फायदेमंद होवेगी। वीडियो देखने लई धन्यवाद।